एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे। मेरा नाम है वैशाली और फ्रेंड्स, दिस इज अ पिक अ कार्ड रीडिंग। ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है कि अप्रैल के मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने करियर लव लाइफ में, और साथ ही साथ यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। तो एज यूजुअल यहाँ पर तीन कार्ड्स हैं, तीन पाइल है, आप तीनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो या एक से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये है पहला कार्ड कम्युनिटी, ये है दूसरा पाथवे, एंड ये है थर्ड वन दैट इज फैमिली रूम। सो आप पॉज कर सकते हैं, आराम से किसी भी कार्ड को चूज कर सकते हैं। टाइम जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हाय एवरीवन, सो जिन भी लोगों ने कम्युनिटी का कार्ड चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं आपकी पहले करंट एनर्जी से, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाए कि क्या ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर वन, प्लीज हमें बताइए पाइल नंबर वन की करंट एनर्जी क्या है। आप में से कुछ लोग एरीज, वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, काफी स्ट्रांग यहाँ पर आ रहा है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। ओके, वी हैव द थर्ड हाउस, वी हैव द साउथ नोड। ओके, सो व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू गाइस, कुछ लोग की हो सकता है केतु की या तो महादशा चल रही है या कुछ ना कुछ अंतर दशा चल रही है। साउथ नोड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि समवेयर साउथ नोड बात करता है आपकी पास्ट लाइफ के बारे में। अब देखिए, पास्ट लाइफ डेप्थ के बारे में भी ये कार्ड यहाँ पर बात करता है। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जहां पर या तो ये हो सकता है कि अभी आप थोड़ा अपनी पास्ट की चीजों में अटके पड़े हैं, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन, या फिर पास्ट लाइफ का कुछ कार्मिक लेसन है जो आप अभी लाइफ में सीख रहे हैं। थर्ड हाउस मुझे दिखाता है कि यहाँ पर यूनिवर्स आपको आपकी कम्युनिकेशन पे बहुत वर्क करा रही है। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, अपने फ्रेंड्स के साथ इश्यू चल रहा है या फैमिली मेंबर्स, स्पेशली सिबलिंग्स हो सकते हैं, उनके साथ चीजें नहीं बन रही है, या फिर आपकी जॉब है जहां पर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो रही है लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ और जॉब में स्विच आए, चेंज आए, वो वाली चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोग किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं कि किसी पर्सन का मैसेज आ जाए, आप उनसे कम्युनिकेट कर ले। ये पर्सन आपके एक्स भी हो सकते हैं जो कार्ड में मुझे यहाँ पर फील हो रहा है और दिख रहा है, क्योंकि आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रांग एनर्जी ऑफ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, बट अगेन इट्स नॉट नेसेसरी कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो यू नो सोलमेट ही हो या कोई बहुत अच्छा कनेक्शन हो। बहुत से लाइफ में ऐसे कनेक्शन आते हैं जो हमें पास्ट लाइफ के होते हैं बट लाइफ में लेसन देने के लिए आते हैं, तो वो वाली चीज भी यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। So let me pull one tarot card for you. Let's see with the cards. क्या है आपकी current energy? Thank you spirit guides. We have the card Ace of Swords. किसी चीज में आपको decision लेना है, किसी चीज को लेके आपको decision लेना है जो आपने अभी लिया नहीं है, क्योंकि आप किसी sign का wait कर रहे हैं, किसी signal का wait कर रहे हैं, या तो universe की तरफ से या किसी person की तरफ से या फिर अपनी company में, career में, कुछ ना कुछ आप किसी sign का wait कर रहे हैं क्योंकि आप clarity चाहते हैं। यहाँ पर Ace of Swords मुझे दिखा रहा है कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर clarity चाहिए। You are waiting for some kind of a clarity in your life right now. Please universe, इनकी current energy क्या है? Page of Swords, yes, definitely. Swords के cards काफी ज्यादा हैं, तो काफी overthinking भी चल रही है life में चीजों को लेके, काफी overthinking आप लोग कर रहे हो। Again, किसी से बात करना चाहते हो, कुछ कहना आप चाहते हो सकता है बहुत time से किसी बात को, किसी भावना को, feeling को hold करके बैठे हो जिसे आप कहना चाहते हो। कुछ ना कुछ major decision आप अपनी life के अंदर इस time लेना चाहते हो, but again, अभी आप wait कर रहे हो क्योंकि आपको पूरी clarity यहाँ पर नहीं है किसी चीज को लेके। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में आप कुछ ना कुछ एक मेजर डिसीजन अपनी लाइफ में ले रहे हो जिससे एक चेंज आएगा आपकी लाइफ के अंदर। कहते हैं ना कि डायरेक्शन बदल जाएगा लाइफ में, वो वाली चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि साउथ नोड मुझे बता रहा है कि केतु आपको पुश कर रहा है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, पास्ट में से बाहर निकलिए और आगे बढ़िए। बट अगेन कंफ्यूजन है क्योंकि केतु का कार्ड और मुझे Swords के कार्ड दिखाते हैं कि समवेयर यू आर लुकिंग फॉर क्लैरिटी। ओके, सो अगर ये चीजें आपसे मैच करती है या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि एनर्जी रेजोनेट करती है, तो आप आगे की रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अप्रैल में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से यहां पर मैं कर लेती हूँ कार्ड शफल, ताकि आप लोग की रीडिंग कर लें कि क्या एनर्जी रहने वाली है अप्रैल के महीने में, आप लोगों की क्या आने वाला है अप्रैल के महीने में।
सो आई एम पुटिंग दीज कार्ड्स ओवर हेयर एंड बी पेशेंट विद मी. जस्ट क्लोज योर आईज, थिंक अबाउट योर स्पिरिट गाइड. आस्क देम कि क्या आने वाला है अप्रैल में, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू माता रानी. क्या आने वाला है अप्रैल में लोगों की लाइफ में, प्लीज हमें बताइए. सोल, वाओ, एक और कार्ड निकालना चाहूंगी मैं यहाँ पर. वाओ, अगेन थर्ड हाउस मैसेजेस. सोल में मुझे जो यहाँ पर दिखा रहा है कि एक सोल ग्रोथ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है. इमोशंस बहुत मेजर रोल प्ले करने वाले हैं अप्रैल में मंथ में आप लोगों के लिए. कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा फील भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा मेंटल पीस नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत बातें चलेंगी, बहुत चीजें चलेंगी. बट उस सब का भी एक रीजन है. उसका रीजन ये है कि यूनिवर्स चाहती है कि आप ये पास्ट का बैगेज कुछ है वो क्लियर कर दो. हो सकता है वो आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई चीज हो, एंसेस्टर से रिलेटेड कोई चीज हो, आपकी सोच है, थिंकिंग है. हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं कुछ चीजों को लेके, तो वहां पर मुझे एक रिलीफ दिखाई दे रहा है. बट हाँ, रिलीफ से पहले, जैसे कि कहते हैं ना कि एक वॉल्केनो वाली चीज होती है, आपको भारीपन महसूस होता है, तो वो हो सकता है. अप्रैल में कहूंगी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा. कुछ लोगों को हेडेक की प्रॉब्लम रह सकती है, या फिर कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू रह सकता है, ब्लड रिलेटेड भी कुछ हेल्थ इश्यू रह सकता है, जैसे बीपी लो, बीपी हाई, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है. सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल एज ऑफ योर मदर, क्योंकि मून जो है वो मदर भी दर्शाता है, तो अपनी मदर का भी ध्यान रखना है यहाँ पर. थर्ड हाउस अगेन मुझे यहाँ पे सेम चीज दिखाई दे रही है कि पास्ट की कोई चीज यहाँ पे यू नो कॉन्टिन्यू हो रही है. इवन जो थर्ड हाउस है वो बात भी इसी बारे में करता है कि कम्युनिकेशन हो गया, जर्नी हो गया, ब्रदर सिस्टर, क्रिएटिविटी, मेंटल इंटेलिजेंस के बारे में बात करता है, ये हैबिट्स के बारे में बात करता है, और साथ ही साथ इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट योर माइंड एंड इट्स फॉर्मेशन. तो कहीं ना कहीं सोल भी यहाँ पे मुझे माइंड दिखा रहा है, मैसेजेस भी माइंड दिखा रहे हैं. तो हो सकता है थोड़ा सा आपको मेंटल स्ट्रेस यहाँ पर रह सकता है, बट अगेन स्ट्रेस अभी नहीं लेना है, क्योंकि वो चीज आपकी लिए पेशेंस भी लेके आएगी लाइफ के अंदर, आपको सिखाएगी और पीस भी सिखाएगी. लेट्स सी, कुछ क्लैरिटी भी आने वाली है. और यूनिवर्स चाहती है आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी वर्क करें. जिस तरीके से आप लोगों से कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं, सोशलाइज करते हैं, उस चीज में भी बदलाव आने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर. इवन जिस तरीके से आप अपने फैमिली मेंबर से भी बात करते हैं ना, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा. तो यूनिवर्स चाहती है कि आप पॉजिटिव वे में लेके आए तो ज्यादा बेटर यहाँ पर होगा. एंड अगेन क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. कुछ नए आइडियाज पे आप लोग वर्क कर सकते हैं, कोई नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, या किसी नए डायरेक्शन में कुछ नया काम भी शुरू कर सकते हैं, समथिंग क्रिएटिव. सोशल मीडिया रिलेटेड भी हो सकता है, इन्फ्लुएंसर हो गए या कुछ अपना ऑनलाइन काम स्टार्ट कर रहे हैं. कम्युनिकेशन रिलेटेड, राइटिंग, रीडिंग, लिटरेचर, लैंग्वेजेस, इट कैन बी एनीथिंग, बिकॉज इट्स अ जर्नल रीडिंग. बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं. और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फैमिली का हिस्सा बनिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, इससे आने वाली जितनी भी वीडियोज होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगी. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. पाइल नंबर वन की अप्रैल में क्या लाइफ में आने वाला है. मैजिशियन, अगेन मैजिशियन ऑल्सो टॉक्स अबाउट जेमिनी, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट दिस कम्युनिकेशन थर्ड हाउस. सो यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट लॉट ऑफ थिंग्स इन टू योर लाइफ. 2022 में अप्रैल के मंथ में आप लोग काफी कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हैं. जैसे कि होता है ना कि अपनी जीवन की छड़ी आपने अपने हाथ में ले ली है, समथिंग लाइक दैट. एंड इवन यू विल फील मरकरी की एनर्जी काफी स्ट्रांग है, मून की एनर्जी स्ट्रांग है, तो यू विल ऑल्सो फील कि थोड़ा लाइफ में चीजें ना अब स्पीड अप होंगी, थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगी लाइफ में चीजों की. वो चीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस कार्ड के थ्रू. एंड अगेन किसी के पर्सन के साथ आपकी कुछ कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई पास्ट का पर्सन, कोई नया पर्सन, कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, जहां पर आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, व्यक्त कर रहे हो अपनी थॉट्स को, अपनी भावनाओं को. वो वाली चीजें मुझे यहाँ पर काफी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है. एंड इफ यू आर फ्रॉम दोज पीपल जो अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पर एक ये चीज भी आपको सिखाई जाएगी इस मंथ के अंदर, किसी भी तरीके से, कुछ भी वे हो सकता है कि आपको अपने इमोशंस को भी अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना है. ओके, सो लेट मी पुल वन कार्ड फॉर योर करियर. एक करियर का कार्ड निकालेंगे, लव लाइफ का निकालेंगे और देखते हैं क्या आता है. प्लीज स्पिरिट गाइड्स, इनके करियर में क्या आने वाला है अप्रैल के मंथ में.
किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई पर्सन आपको हो सकता है थोड़ा सा ऐसा फील कराए, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे अगर मैं सही शब्दों में बोलूँ तो, बट वो आपका ही फायदा होगा, उसमें बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको रियलाइज होगा कि नहीं, सामने वाले पर्सन के कहने से कुछ नहीं होता है, मुझे पता है कि मैं अपनी लाइफ में कहाँ स्टैंड करता हूँ या कहाँ स्टैंड करती हूँ, एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर इन दो कार्ड्स के थ्रू मुझे कॉन्फिडेंस आते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके थ्रू आप अंदर से मोटिवेट हो रहे हो और लाइफ में कोई चीज़ कर रहे हो। कुछ लोग के लिए प्रमोशन है, अच्छी जॉब चेंज है, अच्छी वाली जॉब चेंज जो आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहले शायद आप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था बट अब है, तो वहां पर आपको विजय मिल सकती है, विक्ट्री मिल सकती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि कोई ऑफिस का प्रोजेक्ट है जिसपे आप बहुत टाइम से वर्क कर रहे हो, वहां पर भी आपको कुछ एप्रिसिएशन मिल सकता है आपके काम को लेके, कुछ अचीवमेंट मुझे आपको लिए दिखाई दे रही है। बट हाँ, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके कुछ इर्द गिर्द ऐसे लोग हो सकते हैं जो थोड़ा सा आपको लेके एक ईविल आई है या नेगेटिव उनकी थिंकिंग है, बट अगेन अगर आप अपने आपको लेके कॉन्फिडेंट रहते हो तो आपको कोई स्पेशल रेमेडी की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो हमारा ऑरा या जो प्रोटेक्शन आप सर्कल कह लीजिए वो स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, और अगर किसी की ईविल आई भी होती है या कोई हमारे लिए नेगेटिव भी सोच रहा होता है तो वो चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, तो वही चीज़ मुझे आप लोग के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए एक और कार्ड निकालते हैं करियर का। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर वन, अप्रैल में इनके करियर में क्या आने वाला है। टेम्परेंस, ओ माय गॉड, एंड कैन यू सी दैट वी आल्सो हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों को पर्सन मिल सकता है लव कनेक्शन वाला अपने वर्क के थ्रू अप्रैल के मंथ में, एंड वी हैव द कार्ड ऑफ टेम्परेंस। तो अगर आपका कुछ ऑफिस कनेक्शन है किसी पर्सन के साथ तो आपका मुझे ये लग रहा है कि कुछ वो पर्सन वापस लाइफ में आ सकते हैं और आपकी बातचीत हो सकती है। टेम्परेंस का कार्ड मुझे दिखा रहा है यहाँ पे बैलेंस आपको करियर में कराया जाएगा, इमोशनली मेंटली दोनों तरीके से, आप प्रैक्टिकली स्पिरिचुअली दोनों तरीके से अपने करियर में इस मंथ सोचने वाले हो। टेम्परेंस मुझे यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कुछ लोग के लिए एक हायर एजुकेशन भी मुझे दिख रही है, क्योंकि एक जुपिटर और सेजिटेरियस एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, क्योंकि यहाँ फायर साइन आए हैं बहुत स्ट्रांग, तो काफ़ी चांसेस है कि आप लोग हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं और कहीं आपका अच्छी जगह एडमिशन हो सकता है या सिलेक्शन हो सकता है, या आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रिपरेशन काफ़ी आपकी अच्छी रह सकती है। अगेन, किसी के लिए चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड अगर आप जो भी सिलेबस पढ़ रहे हैं बेसिक से थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़िए, एडवांस लेवल का पढ़ोगे कम्युनिकेशन अच्छी करोगे तो बहुत चांसेस है कि आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो आपका एग्जाम इस साल क्लियर हो जाए, काफी स्ट्रांग चांसेस है, क्योंकि कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मेडिकल फील्ड में है तो मेडिकल रिलेटेड किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस चीज में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। एंड अगेन कुछ लोग बीटेक वाले भी हो सकते हैं, बट यस बहुत ज्यादा इस बारे में हम बात नहीं करेंगे बिकॉज और भी चीजें हैं यहाँ पर। टेम्परेंस मुझे ये भी दिखा रहा है दैट व्हाटएवर इज हैपनिंग राइट नाउ इन योर करियर, अप्रैल के मंथ में आपके जो कुछ भी करियर में होने वाला है वो बहुत ज़्यादा एक डिवाइन रिलेटेड चीज़ है, कि जैसे कि किस्मत में लिखा जो है वो वाली चीज़ें होने वाली हैं इस मंथ के अंदर। एंड बहुत यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, मैं बार बार बहुत वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट फीलिंग लाइक कि यहाँ पे 80% लोगों की लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है करियर में, बेशक छोटी बेशक बड़ी, बट कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ जो है वो अप्रैल के मंथ में आपके करियर में आ सकती है। कुछ लोगों का फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, जॉब में अप्रिसिएशन मिल सकता है, प्रमोशन, जॉब चेंज, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में मुझे क्या दिखता है, फिर एंड में मैं निकालूंगी सबके गाइडेंस कार्ड कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स फॉर पाइल नंबर वन। आप में से कुछ लोग सिंगल हैं एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दिस थिंग कि आप में से कुछ लोग सिंगल हैं एंड 20% लोग जो है वो अप्रैल मंथ में अपने करियर पे फोकस करना पसंद करेंगे जो सिंगल है। नॉट एवरीवन, सिंगल में से 20% की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, सबकी नहीं, कि आप अपने करियर पे फोकस करना पसंद करेंगे। अप्रैल मंथ में आप काफ़ी हैप्पी रह सकते हैं, काफ़ी अपना अलोन टाइम इंजॉय कर सकते हैं, वो चीज़ दिख रही है। फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं अप्रैल के मंथ में। प्लीज यूनिवर्स, इन लोगों की लव लाइफ में क्या आने वाला है। वी हैव द कार्ड ऑफ डेथ, ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंस कार्ड। वी हैव द कार्ड ऑफ सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, डेविल, ओके, एंड द बॉटम वी हैव टेन ऑफ सॉर्ड्स, ओके।
सो कुछ ना कुछ आपकी लव लाइफ में एक साइकिल जो है वो यहाँ पर खत्म हो रही है। आप रिलेशनशिप में हैं या जो भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है इस टाइम पर, डेथ कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, डेथ विद डेविल कार्ड एंड टेन ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारी सॉर्ड्स हैं। कुछ पेनफुल सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ दिखाई दे रहा है। कुछ आप लोगों को हो सकता है किसी पर्सन से ऑब्सेशन है, या फिर मुझे ऐसा लगता है किसी के साथ आपका कोई सेक्शुअल या फिजिकल कनेक्शन था, बट दिस इज गोइंग टू एंड। आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग ब्लंट। जो लोग मेरी रीडिंग देखते हैं उनको पता है कि मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ। कुछ लोगों का कोई टॉक्सिक कनेक्शन है जहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है या सिर्फ फिजिकल चीज़ों पर बेस्ड कनेक्शन है, ऑब्सेशन है, दैट कनेक्शन इज गोइंग टू एंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में चीज़ें या तो बहुत इंटेंस हो जाएंगी, आपको खुद से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लगेंगी, खत्म हो जाएंगी। और अगर जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में बहुत टाइम से है तो कुछ फियर है आपके, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं जिस वजह से रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं दैट इज रिलेटेड विद योर पास्ट। पास्ट में कुछ हुआ है उस बेसिस पे आप करंट रिलेशनशिप को जज कर रही हैं और उस वजह से आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती है। बट वी हैव द कार्ड ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, तो एंडिंग एंड बिगनिंग यहाँ पर होंगी, एंडिंग एंड बिगनिंग होगी। बट स्टिल अप्रैल मंथ काफ़ी इंटेंस रहने वाला है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी इस मंथ। तो आप किसी ना किसी साइकिल को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हो बिकॉज यहाँ पे टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कि बात करता है कि कोई इंसान बहुत थका हुआ है, हारा हुआ है, बिल्कुल थक चुका है, जितना दिमाग चलाना था चला लिया, जितनी चीज़ें अपनी तरफ से एफर्ट डालने थे सब कर लिए, बट यूनिवर्स का कुछ और प्लान है जिसके अगेंस्ट आप लोग जा नहीं पा रहे हो और उसी से आपकी लाइफ में ये चेंज आने वाला है। समथिंग जो आपके हाथ में नहीं है, ऐसा कुछ अप्रैल मंथ में हो सकता है आपकी लव लाइफ के अंदर। बट डोंट वरी, इट्स जस्ट लाइक अ फेज, ये एक फेज है, कुछ ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा। सो बी स्ट्रांग एंड बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि यहाँ पे लोगों के लिए मुझे स्ट्रेंथ कार्ड बहुत स्ट्रांगली इंट्यूटिवली दिख रहा है कि आप लोगों को स्ट्रांग रहने की बहुत ज़रूरत है। वाओ, कैन यू सी दैट? मैं आपको चाहूँगी कि आप लोग ये रीड करें। एंडिंग ब्रिंग्स न्यू बिगनिंग, ग्रोथ, चेंज, लिबरेशन, ट्रांजिशन, कॉफिन, सेम डेथ कार्ड। तो अगेन लव लाइफ में मुझे दिख रहा है कि एक डेथ एंड रीबर्थ बहुत स्ट्रांग आने वाला है। पास्ट की नेगेटिव चीज़ें जो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं वो आप एंड होने वाला है, उन चीज़ों का खत्म होने वाली है। अगेन केतु का कार्ड आया था तो पास्ट लाइफ रिलेटेड कोई कनेक्शन यहाँ पे खत्म होने वाला है, चीज़ें एंड होने वाली है जो आपके लिए ठीक नहीं है, जो बहुत टॉक्सिक है। आई एम सॉरी बट यहाँ पे कोई कनेक्शन है किसी पर्सन का सबके लिए नहीं है, ये दिस इज फॉर दोज पीपल जो मैंने यहाँ पे सिचुएशन दी है, सिंगल लोग हैं या फिर कनेक्शन में एक सिर्फ फिजिकल कनेक्शन है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उन लोगों के लिए है। बाकी लोगों के लिए आई एम सीइंग दैट कि आपके रिलेशनशिप में एक ट्रांजिशन आने वाला है। अगर आप अपने पर्सन से झूठ बोल रहे हैं या आपके पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं या कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं तो वो चीज़ें इस मंथ एंड होने वाली हैं। चाहे एक अच्छे हैप्पी एंडिंग से ना हो, हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो, बट दिस इज गोइंग टू एंड। स्नेक का कार्ड आया है, कंपटीशन, एनिमी, क्लेवर, मैलिशियस, लुक ओवर योर शोल्डर द अदर वुमन। आई टोल्ड यू थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों की बहुत स्ट्रांग यहाँ पर आ रही है। तो कोई ऐसा पर्सन है जो टॉक्सिक है, यूनिवर्स चाहती है कि आप इस पर्सन से बाहर निकलिए, एंड यही मैसेज बार बार आपको आ रहा है। अप्रैल मंथ में क्या आ सकता है यूनिवर्स इनके लिए? ट्विन फ्लेम, वाओ, यिन यांग बैलेंस, यूनियन, ड्यूअलिटी, कपलिंग, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। इफ़ यू गाइज आर सिंगल, आप लोग सिंगल है तो यूनिवर्स आपको आपकी डिवाइन पार्टनर की यूनियन के लिए प्रिपेयर कर रही हैं। अगर आप लोग रिलेशनशिप में जो बहुत टाइम से है, बहुत साथ में है, काफ़ी खुश हैं, सिर्फ करियर के लिए ये रीडिंग देखने आए और सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, तो आप लोग के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ इन योर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में अगर कुछ खटपट भी हो रही है, कुछ आर्ग्यूमेंट भी हो रहा है, तो भी इस नेगेटिविटी को खत्म करिए ताकि आप आगे यूनियन की तरफ बढ़ सकें, वो वाली चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्लीज यूनिवर्स, क्या आने वाला है अप्रैल में इनकी लाइफ में? वेडिंग रिंग्स, वाओ, सम ऑफ यू गाइज आर एक्चुअली गोइंग टू गेट मैरिड विद समवन। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि ये नेगेटिव एनर्जी खत्म हो सकता है कि ये आपकी पर्सन की फैमिली की वजह से हो रही हो, कि आपकी फैमिली में दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स है, बट आपको ऐसा लगेगा कि उनकी वजह से आपके कनेक्शन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप लोग डिसाइड करोगे कि नहीं, आप लोगों को एक साथ जुड़ना है, सबको कन्विंस करना है, जो भी आपको जैसे भी ठीक लगे, बट आगे शादी करनी है, चीज़ों को बढ़ाना है। तो यहाँ पे इटर्नल लव, मैरिड, यूनियन, एवर लास्टिंग प्रॉमिस, ये वाला जो कार्ड यहाँ पर आया है, इट टॉक्स अबाउट कि डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी कनेक्शन में आएगी, बट आफ्टर दिस ट्रांजिशन
आफ्टर दिस ट्रांजिशन, और ये हो सकता है कि आपका ये 18 अप्रैल तक या 22 अप्रैल तक चले और एंडिंग में आपको ये गुड न्यूज मिले, इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेट्स सी विद द कार्ड्स व्हाट एल्स वी कैन सी इन योर लव लाइफ। प्लीज स्पिरिट गाइड व्हाट एल्स वी कैन सी इन देयर लव लाइफ, क्या आने वाला है इनकी लव लाइफ में, प्लीज यूनिवर्स। ओके, सो वी हैव दिस कार्ड ऑफ एस ऑफ व्हील्स, एक स्टेबिलिटी आने वाली है। सिंगल है, जो भी रिलेशनशिप है, आप टॉक्सिक एनर्जी से निकल कर अपनी एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप स्टेबल हो जाएं, ग्राउंडेड हो जाएं, ताकि आपको लाइफ में ऐसा कनेक्शन मिले, या फिर इस कनेक्शन को आप बनाना चाहते हैं, तो वो चीज यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कि करियर में आप लोगों को यूनिवर्स क्या एडवाइस देना चाहती है। स्पिरिट गाइड, करियर को लेकर आप इन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहते हैं। सक्सेस, यस, पाइल नंबर वन, सक्सेस आपको आपके करियर में मिलेगा। बट अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए तो मुझे यहाँ पर एक पर्सन दिखाई दे रहा है, रेदर देन दिस एनिमल, एक पर्सन दिखाई दे रहा है जो डार्कनेस में, चैलेंजेस में, ऑब्स्टिकल्स में भी हार नहीं मान रहा। अंधेरा है, रात है, बारिश है, जो कुछ भी है, उसको पता है कि उस पर्सन ने क्या करना है। बहुत डिटरमाइंड पर्सन है, तो इस वजह से उस इंसान को लाइफ में सक्सेस मिल रहा है, और वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आप हो। थोड़े से डाउट है आपको, जिससे आपको बाहर निकलना है, एंड यूनिवर्स आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रही है। पावर, आपके पास पावर है अपनी लाइफ चेंज करने की, बदलने की। कैन यू सी दैट, दोनों जगह थंडर आया है यहाँ पर, तो उस थंडर एनर्जी को अपनी बाहर निकालिए, बिजली को बाहर निकालिए, एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि अप्रैल में आपको यूनिवर्स आपके लिए कुछ डोर खोलने वाली है, पाइल नंबर वन, जहां पर आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और इससे बढ़िया टाइम नहीं हो सकता कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको वो चीज बहुत डिफिकल्ट लगे, कुछ भी हो सकता है, बहुत चैलेंजिंग लगे, डिफिकल्ट लगे, बट आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि आपको इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जितना आपको लाइफ में कभी भी नहीं मिला है। चलिए देखते हैं लव लाइफ को लेके। प्लीज स्पिरिट गाइड, लव लाइफ में आप इन्हें क्या बताना चाहते हैं, लव लाइफ को लेके क्या बताना चाहते हैं। बी असर्टिव, बी असर्टिव, क्या चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए आपको, उस चीज पे डटे रहना है आपको। ये नहीं कि कोई पर्सन आ गया, वो आपके साथ कैसे भी बिहेव कर रहे हैं, तो आपकी हेल्दी बाउंड्रीज नहीं है लाइफ में, नहीं। बिकॉज वो डेथ कार्ड इसलिए ही आया है ताकि यूनिवर्स आपको रियलाइज कराना चाहती है कि जब तक आप असर्टिव नहीं होंगे, जब तक आप ये नहीं डिसाइड करोगे कि आपको क्या चाहिए है, क्लैरिटी नहीं लेके आओगे जो हमने शुरू में बात करी थी, तब तक लाइफ में, लव लाइफ में वो चीजें आएंगी भी नहीं। रिकंसिडर, कुछ चीजों को आप रिकंसिडर करने वाले हो। मुझे कोई पर्सन तो नहीं दिखाई देता यहाँ पर, एंड यस, कोई पर्सन नहीं है, नो, इट्स नॉट लाइक कोई मुझे टॉक्सिक कनेक्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पर। रिकंसिडर का कार्ड कुछ लोग के लिए, उनके लिए है जो मुझे ऐसा लगता है कि किसी बात को दोबारा सोचने वाले हैं कि अपने पार्टनर के साथ, कि हाँ पहले हमने सोचा था शादी कर ले, बट पेरेंट्स की वजह से उस चीज़ को हमने टाल दिया, बट हमें लगता है कि वो चीज़ हमें अब कर लेनी चाहिए। आप भी कुछ चाहते थे लाइफ में, आप चाहते थे कि आपका एक स्टेबल कनेक्शन बने, बट आपको कोई ऐसा पर्सन मिला जिसने आपको बोला कि वो आपको कुछ स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, तो आप भी उसी रंग में रंग गए। बट आप उस चीज को, अपने आइडिया को दोबारा से आप कंसिडर करोगे कि नहीं, मुझे सिर्फ यही चीज चाहिए, अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो आई मूव ऑन, मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में, फॉरवर्ड जाना है, बैकवर्ड नहीं जाना है। तो पाइल नंबर वन, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, आपसे मैच करती हो, तो प्लीज प्लीज जरूर बताइएगा। आप कोई डिटेल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके डिटेल रीडिंग करा सकते हैं, दैट्स अ पेड रीडिंग, एंड आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, बाकी पिक कार्ड्स देखने के लिए, या जो भी रिचुअल्स या मेरी लाइफ रिलेटेड चीजें हैं वो सब देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, सो अगर आप लोगों ने पाथवे का कार्ड चूज किया है, तो चलिए देखते हैं कि अप्रैल मंथ में आप लोगों के लिए क्या आने वाला है, क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद योर करंट एनर्जी, पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे। अगर करंट एनर्जी मैच होती है तो इट मींस दिस रीडिंग इज फॉर यू, अगर नहीं मैच होती है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप कोई और पाइल चूज कर लीजिएगा। बाकी आप पर्सनल पेड रीडिंग कराने के लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रीडिंग करा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं पिक कार्ड रीडिंग्स देखने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, बेल आइकन पे अगर आप क्लिक कर दीजिएंगे तो आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स फॉर पाइल नंबर टू। पाइल नंबर टू, पाइसिस स्कॉर्पियो कैंसर आप लोग हो सकते हैं, आपका मून पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो में हो सकता है, राशि मीन्स
काफी स्ट्रांग यहाँ पर चांसेस आ रहे हैं। कुछ लोग सेजिटेरियस भी यहाँ पर आ रहे हैं, मार्स सेजिटेरियस में आप लोगों का हो सकता है। प्लीज स्पिरिट गाइड, क्या करंट एनर्जी है इन लोगों की? वी हैव द कार्ड ऑफ एरीज, ओके, मार्स की एनर्जी आ रही थी और एरीज का यहाँ पर कार्ड आ गया है। लिब्रा, ओके सॉरी, दो टैरो कार्ड्स निकालूंगी फिर आपकी रीडिंग जो है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। लिब्रा तो देखिए मुझे दिखा रहा है कि कोई ना कोई चीज आपकी लाइफ में बैलेंस हो रही है, या यूनिवर्स चाहती है कि आप बैलेंस करो। और एरीज का कार्ड मुझे दो तीन चीजें दिखा रहा है, एम्बिशियस होना, डिटरमाइंड होना, ये चीज तो यहाँ पर मुझे दिख ही रही है आप लोगों के लिए। एरीज मुझे आप लोगों के लिए ये भी दिखाता है कि किसी चीज को लेकर आप बहुत एम्बिशियस हो, कोई सपना है आपका, कोई गोल है जिसको आप पूरा करना चाहते हो, पाना चाहते हो। कुछ चीजों को लेके आप रेस्टलेस भी हो रखे हो इस टाइम पर, लाइक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है, सीरियसली मत लीजिएगा, हो सकता है कुछ लोगों के साथ मैच करे नहीं करे, कि आप किसी पर्सन को चाहते हो, बहुत ज्यादा चाहते हो, एंड आप बिल्कुल भी पेशेंटली इस चीज के बारे में सोच नहीं रहे हो कि वॉट इज गुड फॉर यू, वॉट इज बैड फॉर यू, यू जस्ट वॉन्ट दैट पर्सन इन योर लाइफ। तो आप बस आगे बढ़े जा रहे हो जबकि चीजें बहुत ज्यादा बैलेंस्ड नहीं है कनेक्शन में, तो वो वाली एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी विद द कार्ड्स, कार्ड्स क्या बताते हैं ताकि हम इसे और अच्छी तरीके से रीड कर सकें। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स फॉर पाल नंबर टू। अप्रैल मंथ में इनकी करंट एनर्जी, अब ये बताइए क्या है अभी इनकी करंट एनर्जी ताकि हम अप्रैल मंथ की रीडिंग इनकी कर सकें। सिक्स ऑफ कप्स, वी हैव द कार्ड थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स एंड थ्री, थ्री 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 सिक्स 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 हो सकता है नंबर आपको दिख रहे हैं। वाओ, टेन ऑफ कप्स, काफी लोगों के लिए रीडिंग जो है वो आप लोगों की लाइफ में इस टाइम लव बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहे हैं जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट इवन व्हेन इट कम्स टू करियर, करियर के भी अगर बात करी जाए तो करियर में भी मुझे जो चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपका वो करियर फॉलो करना बहुत अच्छा रहेगा जहां पर आपका मन लगता हो, दिल लगता हो, क्योंकि आप लोग काफी क्रिएटिव यहाँ पर हो सकते हैं, काफी इमोशनल और सेंसिटिव लोग भी आप लोग हो सकते हैं जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड आई रियली फील जो करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ लोगों का आपका कुछ सपना है, आप हो सकता है शादी चाहते हैं, एक हैप्पी मैरिड फैमिली लाइफ चाहते हैं, अपनी खुद की एक फैमिली चाहते हैं, क्योंकि वो चीज मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। एंड व्हेन इट कम्स टू करियर, अगर मैं यहाँ पर करियर की बात करूँ तो करियर में भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसा करियर चाहते हैं जो आप बहुत लंबे टाइम तक जिसमें खुश रह सके, जहां पर आपकी ग्रोथ भी हो, आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव हो, और जहां पर आपको फैमिली या घर जैसी फीलिंग भी आए, मीन्स कि आपका कम्फर्ट होना वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट आई एम ऑल्सो सीइंग विद दिस पाथवे कार्ड कुछ चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, बिल्कुल चैलेंजेस हैं। हो सकता है आप लोग या तो चीजों को बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा रीडिंग्स देखते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या नहीं होगा, वो वाली चीज यहाँ पर आ रही है। फियर बहुत ज्यादा है फ्यूचर को लेके, बहुत ज्यादा फियर है कि ये चीज होगी या नहीं होगी, कैसे होगी, मैं इस चीज को प्लान कैसे करूं, आगे इस पर वर्क कैसे करूं, वो वाली चीजें भी बहुत ज्यादा आ रही है। तो काफी ग्राउंडेड एनर्जी नहीं है। आई एम रियली सॉरी, आई एम अ वेरी ब्लंट पर्सन, अगर आप रीडिंग पहली बार देख रहे हो तो मैं शुगर कोट नहीं करती। एक ग्राउंडेड एनर्जी नहीं है, कैसी एनर्जी है कि सपने बहुत है, डिजायर्स बहुत है, बट आप उसको ग्राउंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि उसको स्टेबल करो, तभी तो आप उस चीज को कर पाओगे। अगर आप हवा हवा में रहोगे, प्रैक्टिकली चीजों को सोचोगे नहीं, तो काम बन नहीं पाएंगे। और वो चीज मुझे थोड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है, वेदर इट्स इन लव और इट्स इन करियर या लाइफ में किसी भी चीज को लेके हो सकती है, कि इमोशंस आप लोगों के बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत इंटेंस हैं, आप लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हैं, कि इमोशनली अगर आप कुछ बहुत ज्यादा इंटेंसली सोच लेते हैं ना तो वो हो भी जाता है। इवन अगर आप किसी को गलती से कुछ बुरा भला कह देते हैं या कर्ज कर देते हैं तो वो चीज भी कुछ टाइम बाद हो जाती है। तो हो सकता है कि आप काफी इंट्यूटिव लोग हैं जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी भी है, तो हो सकता है आप लोग खुद ही स्पिरिचुअलिटी में हो, टैरो कार्ड रीडर्स हो, एस्ट्रोलॉजर्स हो, रेकी हीलर्स हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग मेडिकल फील्ड में भी हो सकते हैं, बट अगेन जरूरी नहीं है, बिकॉज मोस्टली लोग जो हैं वो हीलर्स ही हैं, किसी न किसी तरीके से अर्थ प्लैनेट पे लोगों को हील करने ही आए हैं और अर्थ की वाइब्रेशन हाई करने के लिए आए हैं। तो ये चीज मुझे यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। एक और कार्ड निकालूंगी क्योंकि अगेन इट्स अ जर्नल रीडिंग, तो बहुत सारी एनर्जी है, बट ये सेल्फ लव यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, आप जैसे हैं वैसे दुनिया को दिखाते नहीं है, बहुत पोटेंशियल है आप लोगों में, या आप लोगों को डर है कि आप जैसे हैं आप लोगों को दिखाएंगे तो शायद वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे,
या फिर हो सकता है कि रिसेंटली आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आए हैं जिन्होंने या तो आपको चीट किया है, झूठ बोला है, डिसीट वाली यहाँ पर चीज़ है, जहाँ पर आप एक हैप्पी मैरिड फैमिली लाइफ चाहते थे इस पर्सन के साथ, बट इस पर्सन ने आपसे कुछ झूठ बोला, कुछ छुपाया। हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो। प्लीज़ अब अपनी थोड़ी सी वॉल्यूम धीरे कर लीजिए, मैं अपनी चेयर आगे करने वाली हूँ, तो थोड़ा सा आपको शोर यहाँ पर आ सकता है। ओके, या नाउ इट्स फाइन। सो येस, आई वॉज सेइंग कि हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो, वेन इट कम्स टू करियर, करियर में हो सकता है कि आप किसी ऐसे करियर में हैं या तो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं चाहते। हो सकता है आपके सीनियर्स ही हो यहाँ पर जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, या हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा फैमिली मेम्बर या पर्सन है जो आपको करियर में आगे नहीं बढ़ने दे रहा या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर। कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आपकी खुद की एनर्जी भी हो कि आप लोग जो है अपनी बातें छुपा रहे हैं लोगों से, बहुत ज़्यादा बता नहीं रहे क्योंकि आपके अंदर कुछ फियर्स हैं अपने आप को लेके, आपको लगता है कि आप जैसे हैं लोगों को वैसे दिखाएंगे तो शायद लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मे बी आप अपने आप को बहुत हाइड कर रहे हैं, लोगों से बातें करते हैं बट जो आप एग्जैक्टली हैं वो आप दिखाते नहीं हैं, बट एट द सेम टाइम आप चाहते हैं कि आपके सपने डिज़ायर्स पूरे हों, बट यूनिवर्स चाहती है कि आप पहले चीज़ों को बैलेंस करो अपनी लाइफ में, इस एनर्जी को हटाओ यहाँ से। सो फ्रेंड्स, अगर ये चीज़ आपसे मैच करती है तो लेट्स मूव ऑन, शुरू करते हैं आपकी आज की रीडिंग अप्रैल मंथ को लेके। और आपको लगता है कि अगर चीज़ें एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही बट आपको एनर्जी थोड़ा मैचिंग वाली लग रही है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी पुट दीज कार्ड्स बैक ओवर हियर। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। तब तक आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में पॉजिटिव बातें लिख सकते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस लिख सकते हैं जो आप अप्रैल मंथ के लिए चाहते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, क्योंकि आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2 सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव एफर्मेशंस डेली करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोग हैं जो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से आपको करियर में भी प्रॉब्लम्स आ रही है और लव लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ रही है कि लव लाइफ में लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड ऑफ पाइल नंबर 2। अप्रैल मंथ के लिए आप बताइए कि लाइफ में क्या एनर्जी रहेगी, क्या आने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कोई मैच्योर पर्सन आपको हेल्प कर सकता है, कुछ गाइडेंस मिल सकती है यहाँ पर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं। ओ माई गॉड, वी हैव द डेथ एंड रीबर्थ। मेजर अरकाना 2 है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं आप लोगों के। सो काफ़ी इंटेंस मंथ रह सकता है आप लोगों का अप्रैल का मंथ, यहाँ बहुत मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। डेविल कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाता है कि कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं आपके इर्द गिर्द, कुछ एनर्जी है नेगेटिव, इट कैन बी एनीथिंग, फियर, डाउट अपने आप को लेके, पास्ट में जो नेगेटिव पैटर्न है दिमाग में वो अभी भी चल रहे हैं यहाँ पर, वो वाली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप में से काफ़ी लोग अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं, लेकिन अब तो टाइम आ गया है, अप्रैल मंथ में आपको इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा, मैच्योरली और दिमाग से सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इमोशंस में इतना ज़्यादा बह जाते हैं कि प्रैक्टिकल लेवल पे चीज़ें खराब कर लेते हैं, और हो सकता है जैसे आपको करियर में और लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो व्हाट आई एम सीइंग कि अप्रैल मंथ में आपका एक सबसे मेजर जो लेसन रहने वाला है वो ये है कि दिमाग से सोचना है, लॉजिकली प्रैक्टिकली, और साथ ही साथ जो है मैच्योर तरीके से भी सोचना है। इतना लाइफ में जो आपको लेसन्स मिले हैं उन सब लेसन्स को एक पॉजिटिव तरीके से रख के अच्छी तरीके से लाइफ में डिसीजंस लेने हैं, एंड पास्ट के आपके किसी पर्सन को आपको माफ़ भी करना है। कोई भी ये पर्सन हो सकता है, इवन यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ, आपको अपने आप को भी माफ करना है। अगर आप पास्ट की मिस्टेक्स को लेकर अपने आप को बहुत ब्लेम कर रहे हो तो अप्रैल मंथ आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जहां पर हो सकता है कि पास्ट की चीजें वापस आपके सामने आए आपको ट्रिगर करने के लिए, आईना दिखाने के लिए। बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि वो चीजें आप इस बार उस पर आपको जीत मिलेगी, क्लैरिटी यहाँ पर आएगी एंड आप उस चीज से बाहर निकल पाओगे। चलिए देखते हैं आपके करियर में क्या आने वाला है। सो सॉरी फ्रेंड्स, करियर में इनके क्या आने वाला है अप्रैल मंथ में स्पिरिट गाइड्स। हीलिंग बहुत स्ट्रांग आ रही है आपकी, हीलिंग, फॉलो योर पैशन, पैशन फॉलो कर रहे हो आप, कोई साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि कुछ चैलेंजेस से लड़के आप बाहर निकल रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट मंथ रहेगा पाइल नंबर 2 अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो, एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप एंड तक रीडिंग देखिएगा ताकि हम गाइडेंस भी देख सकें कि आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर। सो विद दिस लवर कार्ड व्हाट आई एम सीइंग कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, कुछ चेंज अपने जीवन में लेके आ रहे हो, स्पेशली अपने करियर के अंदर।
एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत टाइम से आपको कुछ सपना है, उस सपने की तरफ आप एक पहला कदम अप्रैल के मंथ में रख सकते हो. कोई भी सपना हो सकता है. इवन ये सिर्फ मुझे लव लाइफ की एनर्जी नहीं आ रही, करियर की भी एनर्जी आ रही है, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो चुकी है. अगर आपको पता हो, स्प्रिंग इक्विनॉक्स आ चुका है एंड एक न्यू बिगनिंग हर किसी की लाइफ में आएगी. तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप कुछ लेट गो कर रहे हो यहाँ पर और एक पहला कदम रख रहे हो अपने करियर में, इवन इन योर लव लाइफ. एंड दैट्स अ रियली रियली गुड थिंग. कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं करियर की वजह से, जो मुझे यहाँ पर लग रहा है. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है यहाँ पर, या प्लान बन सकते हैं. एंड कार्ड्स काफ़ी मेजर आए हैं, तो आपका अप्रैल का मंथ बहुत मेजर रहने वाला है. बहुत कुछ होगा अप्रैल के मंथ में आपकी लाइफ के अंदर. बेशक बाहरी लेवल पे बहुत कुछ ना हो, पर इंटरनल लेवल पे बहुत चेंज यहाँ पर आने वाले हैं आपकी लाइफ में. मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पहाड़ से के ऊपर चढ़ रहा है, उतर रहा है, फिर चढ़ रहा है, फिर उतर रहा है. तो इस तरीके के काफ़ी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, बट इट्स फॉर समथिंग रियली गुड, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ देने वाली है जो कि बहुत ही मेजर और बड़ी चीज़ है, और उसके लिए आपका इस लेवल पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक और कार्ड निकालेंगे करियर के लिए, देन विल स्टार्ट अबाउट योर लव रीडिंग. लव रीडिंग देखेंगे आपकी. वी हैव द कार्ड ऑफ थ्री ऑफ कप्स. कुछ प्रमोशन, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन यहाँ पर हो सकते हैं. किसी ऑफिस कलीग की शादी हो सकती है, फ्रेंड की शादी में सेलिब्रेशन वगैरह आपके यहाँ पर हो सकते हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है. एंड थ्री ऑफ कप्स से अगेन मुझे ये भी दिख रहा है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में अपना कोई काम भी स्टार्ट कर सकते हैं. वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकते हैं, चाहे ऑनलाइन हो गया, चाहे वैसे हो गया. वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर आ रही है, और एक होप मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, जो बहुत टाइम से शायद नहीं थी. एक होप, एक आशा अप्रैल के मंथ में आपकी लाइफ में आने वाली है, किसी भी चीज़ को लेके आपके करियर के अंदर. चलिए फटाफट देखते हैं आपकी लव लाइफ अप्रैल मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या आएगा. फाइल नंबर टू, जिन भी लोगों ने यूनिवर्स पाथवे चुना है, क्या आने वाला है. लाइटनिंग, सडन चेंज. ओके, देखिए ध्यान से देखिए क्या लिखा है यहाँ पे. सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइज, पिफनी, अपहीवल, ट्रांसफॉर्मेशन. अगेन चेंज यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग आने वाला है. अप एंड डाउन यहाँ पर आने वाले हैं. कुछ सडन रियलाइजेशन आपको होने वाला है यहाँ पे. गर्ल टॉक, तो आप फ्रेंड्स के साथ अगेन टाइम स्पेंड करने वाले हैं. मूविंग ऑन, अगर आपका कोई नेगेटिव कनेक्शन रहा है तो आप उससे बहुत मूव ऑन करने वाले हैं. पास्ट के लोगों को माफ करने वाले हैं. प्रेजेंट को एंजॉय करेंगे. कुछ लोग सिंगल हैं तो यू विल जस्ट एंजॉय योर लाइफ. इवन मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अगर सिंगल है तो डेट पे जा सकते हैं अप्रैल के मंथ में. डेट पे जा सकते हैं, नए लोग से मिल सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज्यादा है. बाकी लोग ले देखते हैं क्या आता है. एक्स, ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, अबैंडनमेंट. ये कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाता है कि पास्ट में जो ये आपकी जो नेगेटिव एनर्जी चल रही है ना, ये जो है अब वो खत्म होने वाली है. कुछ नेगेटिव पैटर्न, कुछ हैबिट्स हैं आपकी जो आपके रिलेशनशिप को बहुत खराब कर रही हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, वो अब खत्म होने वाली है. इवन आई वुड सजेस्ट यू कि आप में से अगर कुछ लोगों को पाइल नंबर वन देखने का मन करता है तो आप वो भी देख सकते हैं. हो सकता है कुछ चीजें आपकी वहां से मैच करेंगी. पाइल नंबर टू के लिए स्पिरिट गाइड्स, वी हैव द कार्ड ऑफ एडिक्शन. कोडिपेंडेंसी, ऑब्सेशन, कंट्रोलिंग हैज अ ब्लॉक. आई एम रियली सॉरी पाइल नंबर टू, बट मुझे आपको एक चीज़ यहाँ पर बतानी है जो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है. काफ़ी नेगेटिविटी है आपके अराउंड अगर हम लव लाइफ को लेके बात करें, बट गलत सेंस में मत लेना इस नेगेटिविटी को. नेगेटिविटी का मतलब ये है कि पास की कुछ चीज़ें, बचपन की, चाइल्डहुड की कुछ चीज़ें हैं जिनको आप पकड़ के बैठ गए हो और आपका लगता है कि यही आपकी लाइफ है, यही आपकी रियलिटी, और आप खुद भी ऐसे ही हो. बट ऐसा नहीं है. यू नीड टू लव योर सेल्फ. आप बहुत स्पेशल पर्सन हो, आपको एक स्पेशल पर्सन डिजर्व करते हो. आपको जबरदस्ती चीज़ों में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है. हो सकता है आप बहुत टाइम से कर रहे हो, जिस वजह से आप हमेशा टॉक्सिक कनेक्शन में आ जाते हो या चीज़ें बनती नहीं है. बट नाउ इट्स अ हाई टाइम जहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ में लव डिजर्व करते हो. जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, चाहे वो करियर में है, चाहे लव लाइफ में है. और यही स्ट्रांग इंटेंस लेसन आपका यूनिवर्स ले रही है, एक टेस्ट ले रही है जो अप्रैल मंथ में है, जहाँ पर यूनिवर्स आपके सामने ऐसे चैलेंजेस रखेगी ताकि आप अपने आप पर भरोसा कर सकें, बिलीव कर सकें, और ये रियलाइज कर सकें कि आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो.
हमेशा सिर्फ दूसरों की केयर नहीं करनी है, अपनी केयर भी करनी है। आपको अपने बारे में भी सोचना है, बिकॉज हो सकता है कि आप दूसरों के बारे में काफ़ी सोचते हो और जब आप हर्ट हो जाते हो ना, तो आपको इतना गुस्सा आ जाता है या आप इतना ज़्यादा हर्ट हो जाते हो कि आप सालों सालों तक उस पर्सन को माफ़ नहीं कर पाते या उस एनर्जी से आप बाहर नहीं निकल पाते हो, उसमें डूबे रहते हो। तो इट्स अ हाई टाइम फॉर यू इन द अप्रैल मंथ कि आपको अपना शेडो वर्क यहाँ पर आपसे यूनिवर्स कराएगी, और वो आपको अभी इसलिए इन्फॉर्म कर रही है ताकि आप उनको उस चीज़ में सपोर्ट कर सको, क्योंकि वो चाहती हैं कि आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ जाओ और अपनी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर सको, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। आपको बेशक ये चीज़ नहीं लगती, बट स्पिरिट गाइड्स को ये चीज़ लगती है कि वो ये चीज़ आप डिजर्व करते हो। और मैं ये आपको बहुत इंट्यूटिव मैसेज दे रही हूँ, इट्स अ चैनल्ड मैसेज। आप देख रहे हो मैं यहाँ पे कोई कार्ड नहीं निकाल रही, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं कर रही हूँ। माई आईज आर क्लोज्ड, मेरी आंखें बंद है, और आपकी स्पिरिट गाइड्स, आप समझ लीजिए, आपसे डायरेक्टली ये बात कहना चाहती है, यू डिजर्व लव इन योर लाइफ। बेशक आपके पेरेंट्स का कनेक्शन कैसा रहा हो, आपने फैमिली में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स प्रॉब्लम्स देखा हो, आप वो चीज़ें डिजर्व नहीं करते। आपको ये नहीं सोचना कि वो आपकी लाइफ में भी होगा, आपकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं होंगी जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड अगेन, यहाँ पे काफ़ी लोग सिंगल हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना। अगर नहीं भी हैं, आप किसी कनेक्शन में भी हैं जहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो जैसे ही आप अपने आप से लव करना शुरू करेंगे ना, अपने आप को नर्चर करेंगे, अपनी केयर करेंगे कि हाँ मेरे भी इमोशंस हैं, मुझे हमेशा अपनी इमोशंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको एम्ब्रेस करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मैं सेंसिटिव हूँ और उसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई ख़राब बात नहीं है, तो आप देखेंगे कि अपने आप आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आना शुरू कर जाएंगे। एंड धीरे धीरे करके ना सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत एक रोमांस मुझे दिखाई दे रहा है, एक हार्डशिप जो लाइफ में चल रही है ना, वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगी। ऐसी आप लोगों की एक बहुत ही अमेजिंग सी एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। एक कार्ड और निकालूंगी जस्ट टू सी अबाउट लव एंड करियर। बहुत इंट्यूटिवली मैं ये कार्ड निकालना चाहती हूँ कि स्पिरिट गाइड अप्रैल के मंथ में आपको क्या बताना चाहती है। वाओ, एट ऑफ सॉर्ट्स। आप लोग अपने खुद के दिमाग में स्टक महसूस कर रहे हैं, पाइल नंबर टू। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत यू नो चैलेंजेस हैं, बट मोस्टली चैलेंजेस आपके दिमाग में है, और यहीं पे यूनिवर्स आपको वर्क कराना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि बाहर बहुत ब्लेसिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट आप उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, बिकॉज आप बिल्कुल स्टक हो चुके हैं नेगेटिव थिंकिंग में, पास्ट की चीज़ों में, दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उन चीज़ों में। आपको किसी ने नेगेटिव बोल दिया तो आप उसको पकड़ के बैठ गए हैं उन चीज़ों में, वहाँ से यूनिवर्स चाहती हैं आपको बाहर निकालना, ताकि आप ये समझ पाओ दैट यू आर दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल। आप बहुत स्टेबल मैच्योर पर्सन हो, आपकी लाइफ में आगे बहुत सक्सेस लिखा है, बेशक आपकी कितनी भी एज हो, इवन काफ़ी चांसेस है कि आपको लेटर एज में ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने इमोशंस को बैलेंस करते जाओगे ना, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में ये अबंडेंस और फाइनेंसेस अट्रैक्ट करोगे, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड किंग ऑफ सॉर्ट्स, एक ऐसा पर्सन जिसने लाइफ में बहुत चैलेंजेस देखे हैं, बट उन चैलेंजेस से निकल के उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है, बहुत लॉजिकल है, बहुत वाइज है, आउल बना हुआ है आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, बहुत वाइज पर्सन है, बहुत लॉजिकल पर्सन है, कोई भी बुलशिट ये पर्सन अपनी लाइफ में टॉलरेट नहीं करते हैं, वो वाली चीज़ यहाँ पर है कि अगर इस पर्सन को कोई नेगेटिव बोल रहा है, इस पर्सन ने अपना स्टैंड लेना है, वो नेगेटिव चीज़ें नहीं सुननी है और दिल पे नहीं लेनी है बिल्कुल भी। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए एडवाइस कार्ड क्या है, या एंजल कार्ड से हमें और क्या दिखाई देता है आपकी अप्रैल मंथ के लिए। Let's see. Please spirit guide, April month में पायल नंबर टू के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं लोगों को। प्योरिटी, वाओ, दिस इज अ कार्ड ऑफ हीलिंग, पायल नंबर टू। सो पायल नंबर टू, हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है आपके लिए। तो अगेन, अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करेगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा इस मंथ में ना, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप इरिटेट भी हो जाओ कि अपने इमोशंस की वजह से, तो यहाँ पे इट्स रियली नेसेसरी कि आप पेशेंस रखें इन चीजों को लेके। लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स फॉर यू और देखते हैं कि और यूनिवर्स क्या बातें आपको बताना चाहती है यहाँ पर। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप पाइल नंबर टू को अप्रैल मंथ के लिए। अगेन एरीज का कार्ड आया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन लेने का टाइम है कि उस चैलेंजेस से बाहर आना है, अपने आप को लव करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, वो टाइम अब आ चुका है। द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो जो भी आपको कन्फ्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है लाइफ में, उसकी धीरे धीरे आपको क्लैरिटी भी अपने आप मिलने लग जाएगी अप्रैल मंथ के अंदर। बट हाँ, कुछ ना कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट होंगी जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे, वो भी मुझे दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं लव लाइफ के लिए और क्या
एंजल कार्ड्स, एंजल आसन कार्ड, एंजल आसन आंसर्स कार्ड्स के थ्रू हम क्या देख सकते हैं. सो इट ऑलवेज हैपन विद मी कि जब भी मैं कुछ यू नो इंट्यूटिव मैसेज जो है चैनल मैसेज बोलती हूँ तो एनर्जी इतनी इंटेंस हो जाती है कि उसके बाद मैं थोड़ा स्टैमल करने लग जाती हूँ, एंड वो ही चीज़ अभी हो रही है. सो जस्ट काइंडली बेयर विद इट. वी हैव द कार्ड रिकंसिडर अगेन. सम ऑफ यू गाइज कैन सी द कार्ड पाइल नंबर वन. ओके, रिकवरी, रिकंसिडर एंड अबंडेंस. सो वॉट आई एम फीलिंग विद दिस कार्ड ऑफ रिकंसिडर इज कि आप दोबारा अपनी एनर्जी में आ रहे हैं. पाइल नंबर टू, यू आर कमिंग बैक इन टू योर एनर्जी. यहाँ पर मुझे आपकी चक्रा बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हैं. यू आर हीलिंग योर सेल्फ, आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं. बेशक आपको ये बात पता है नहीं पता, बट यूनिवर्स तो आपकी हीलिंग कर रही है यहाँ पे, क्योंकि रिकवरी का भी कार्ड आया है. अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो आपको काफी यू नो इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी इस मंथ में, या एटलीस्ट सॉल्यूशन दिखाई देगा कि आपको अच्छा डॉक्टर मिल गया या आपको मेडिसिन लग गई, वो वाली चीज यहाँ पर हो सकती है. अबंडेंस का यहाँ पर कार्ड आया है. अगेन द कार्ड ऑफ अबंडेंस यहाँ पर बात करते हैं लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में जो है आने वाली है. द यूनिवर्स बिल्कुल यू नो प्लेट में से लेके बैठी है कि वो आपको ये अबंडेंस लाइफ में देना चाहती है. सो डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज मुझे ये कार्ड ये भी बता रहा है कि स्पिरिट गाइड आपसे इंट्यूटिवली बहुत बात करती हैं, आपको मैसेजेस देती हैं, मे बी ड्रीम्स के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपको बहुत मैसेजेस मिलते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और बार बार वो आपको यही समझाती हैं दैट यू आर गुड इनफ, आप अपने आप में बिल्कुल गुड इनफ हो. सो पाइल नंबर टू, अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा. कोई और डिटेल रीडिंग कराना चाहते हैं लव लाइफ को लेके या करियर को लेके, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं. अगेन पिक अ कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी या मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम से वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर यूजर नेम भी आ रहा होगा. एंड अगेन चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा एंड सब्सक्राइब भी करेगा. थैंक यू सो मच. Have a nice day. Bye. Take care. हेलो हेलो पाइल नंबर थ्री. आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल. स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे. तो चलिए आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं अप्रैल मंथ की. एंड सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी करंट एनर्जी से. तो अगर आप मेरे चैनल पे फ्रेंड्स पहली बार आए हैं तो मैं पहले हमेशा करंट एनर्जी चेक करती हूँ ताकि आप लोगों को ये आइडिया लग जाए कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए है या नहीं है. ओके, एंड चैनल पे पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड हमारी फैमिली का पार्ट भी बनिएगा. एंड थैंक यू सो मच जो लोग मुझे ऑलरेडी मेरी फैमिली का पार्ट बने हुए हैं. प्लीज स्पिरिट गाइड इन लोगों की करंट एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी क्या है पाइल नंबर थ्री की. वी हैव द कार्ड नाइन्थ हाउस एंड वी हैव द कार्ड ऑफ एक्वेरियस. ओके, सो विद द कार्ड ऑफ नाइन्थ हाउस एंड फेथ. नाइन्थ हाउस का कार्ड जो है मुझे बेसिकली धर्म के बारे में बात करता है. टॉक्स अबाउट जुपिटर, लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो गई, हायर एजुकेशन हो गया, इस बारे में ये जो कार्ड है वो यहाँ पर बात करता है. एंड अगर हम बात करें एक्वेरियस की तो वो मुझे दिखाता है कोई इनोवेटिव पर्सन, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन, इंजीनियरिंग, लॉ, कंप्यूटर, उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो सकती है. कोई सर्जन यहाँ पर हो सकता है जो काफ़ी इनोवेटिव है यहाँ पर, वो वाली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. हो सकता है आपका एक्वेरियस नाइन्थ हाउस में आप लोग कुछ लोग डॉक्टर सर्जन हो सकते हैं या मेडिकल फील्ड में भी हो सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू गाइस इज कि आपका जो अप्रैल का मंथ होने वाला है ना, उसमें आपकी जो सोच है दुनिया को लेके, आप रिलीजन को लेके क्या सोचते हो, स्पिरिचुअलिटी को लेके क्या सोचते हो, उस चीज में काफी चेंज आने वाला है, बदलाव आने वाला है. एंड आई नो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत छोटी चीज़ है और मैं अभी करंट एनर्जी देख रही हूँ, बट जो भी मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है मैं वो चीज़ भी यहाँ पर बता रही हूँ. सो चलिए देखते हैं विद द कार्ड्स कि और हमें क्या क्लैरिटी मिलती है. प्लीज यूनिवर्स इनकी करंट एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी क्या है इनकी, प्लीज स्पिरिट गाइड्स. पाइल नंबर थ्री की करंट एनर्जी क्या है, हायरोफेंट. ओके, हायरोफेंट भी सेजिटेरियस का कार्ड ही होता है, नाइन्थ हाउस काइंड ऑफ रिलेटेड ही होता है, वही चीज यहाँ पर आ गई है. तो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी लाइफ में चल रही है इस टाइम. हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, अपने रिलीजन के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, पढ़ रहे हो, या कुछ ऐसा कोर्स कर रहे हो दैट इज रिलेटेड विद स्पिरिचुअलिटी. अगर ऐसा नहीं भी है तो कुछ ना कुछ आप रिलीजन में अभी इन स्पिरिचुअल चीजों में हो, जो कि आपको हेल्प भी कर रही है आपको चेंज करने में.
फादर हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एंड अगेन फैमिली रूम का कार्ड है, हायरोफ्रेंड भी कहीं ना कहीं एक फॉर्मल चीजें दिखाता है, फैमिली दिखाता है, तो फैमिली इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनी हुई है आपकी लाइफ का। हो सकता है कि काफ़ी आपके जो एनर्जी है इस टाइम फैमिली की चीज़ों में लग रही हो, घर में किसी की शादी चल रही है या पेरेंट्स में किसी चीज़ को लेकर आपकी एनर्जी काफ़ी यहाँ पर लग रही है। उसके अलावा आई एम ऑल्सो सीइंग विद दीज टू कार्ड्स ओवर हियर यहाँ पर कि जो स्पिरिट गाइड्स हैं आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे सैटर्न की चीज़ भी चल रही है, बिकॉज एक्वेरियस का लॉर्ड भी यहाँ पर सैटर्न होता है। तो सैटर्न की जो चीज़ मुझे दिख रही है कि कुछ आपकी लाइफ में डिलेज अभी चल रहे हैं किसी चीज़ को लेके, कुछ लोगों की लाइफ में शादी को लेके हो सकता है डिलेज चल रहे हैं कि आपके पेरेंट्स फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं पर्सन बट बात नहीं बन रही है, उस हिसाब से चीज़ें नहीं बन रही हैं। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं इस टाइम पर उसमें भी डिले आ रहा है। हायर स्टडीज चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं बट कुछ ना कुछ छोटा मोटा डिलेज या प्रॉब्लम्स वहाँ पर हो सकता है आप लोगों को आ रहा है, जो ये कार्ड मुझे बताता है यहाँ पर। आई एम ऑल्सो सीइंग यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्हें अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मे बी आपके पास लव लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं बट आपको ये नहीं पता कि विच वन इज़ बेस्ट फॉर यू। करियर में भी मुझे ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है कि या तो दो करियर आपके आपके पास करियर ऑप्शंस है जहाँ पर आपको बहुत कन्फ्यूजन है, वो चीज़ भी हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है यहाँ पर बस आप ये देखना चाहते हैं कि आगे आपको यू नो प्रमोशन मिलेगा या ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, वो वाली चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है कि कुछ ना कुछ स्टेबल जॉब है आपके पास ऑलरेडी बट स्टिल यू वॉन्ट। रियली सॉरी फॉर दैट नॉइज फ्रेंड्स। ओके सो या आई वॉज सेइंग कि कुछ ना कुछ यहाँ पे दो चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन है, बाकी कुछ लोगों के पास ऑलरेडी एक स्टेबल जॉब है जहाँ पर आप ये देखना चाहते हैं कि प्रमोशन होगा या फिर आपका ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। एक और कार्ड निकालूंगी जस्ट टू गिव यू मोर क्लैरिटी, उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज यूनिवर्स पाइल नंबर 3 की करेंट एनर्जी क्या है। राइट 8 of Wheels। ओके सो आप किसी चीज़ के लिए एक हार्डवर्क करना चाहते हैं, हार्डवर्क कर भी रहे हैं किसी चीज़ को लेके बहुत टाइम से बट हो सकता है या तो आपको रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं या आप ये देखना चाहते हैं कि अप्रैल में आपको इस चीज़ का फल या फ्रूट जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो वाली चीज़ भी यहाँ पर आ रही है। सो अगर ये चीज़ें आप लोगों से मैच करती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग कि अप्रैल मंथ में आप लोगों के लिए क्या आने वाला है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 3, थैंक यू सो मच टू हेल्प मी टू हेल्प देम टू गाइड देम टू हील देम। स्पिरिट गाइड पाइल नंबर 3 की अप्रैल मंथ में क्या आने वाला है, ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी इनकी अप्रैल के मंथ में। वी हैव द कार्ड ऑफ सन, वाओ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने वाली है आपकी पाइल नंबर 3 अप्रैल के मंथ में। सेक्रीफाइस, कुछ चीज़ें ऐसी आपके लाइफ में होंगी जिससे आप थोड़ा सा अपसेट हो सकते हो, मैं आपको पहले ही बता दूँ, थोड़ा सा आप उन चीज़ों को लेकर अपसेट हो सकते हो क्योंकि 10th यहाँ पे बात करता है कंप्लीशन, किसी न किसी तरीके की आपकी साइकिल जो है वो कंप्लीट होगी एंड बिकॉज ऑफ दैट हो सकता है आप थोड़ा सा अपसेट रहो। बट ये जो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, अगेन कुछ लोग अपनी प्लीज़ अपनी हेल्थ का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा बिकॉज यूनिवर्स चाहती है कि आप अपनी हेल्थ पे फोकस करो, तो वो चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों को स्किन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा इस टाइम में। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखें तो यहाँ पे नंबर 10 है और नंबर 1 है, तो एंडिंग एंड बिगनिंग दोनों के यहाँ पर कार्ड मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। कोई चीज़ यहाँ पे खत्म हो रही है जो आप रिलीज कर रहे हो, एक बहुत डीप इंटेंस हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है और एक न्यू बिगनिंग भी यहाँ पर आ रही है, दैट्स अ गुड थिंग। लेट्स सी, आप में से कुछ लोगों का सन इन लिब्रा भी हो सकता है, प्लीज स्पिरिट गाइड। वाओ एस ऑफ कप्स, दैट्स रियली अमेजिंग। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक नया न्यू लव आते हुए दिखाई दे रहा है, लव में और ज्यादा यू नो कनेक्शन बॉन्ड बनते हुए दिखाई दे रहा है और एक स्ट्रांग सेल्फ लव भी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अप्रैल मंथ में क्या आने वाला है यूनिवर्स, इनके करियर में क्या आने वाला है, इनके करियर में क्या आने वाला है प्लीज हमें बताइए। 6 of Cups द फूल, वाओ एक न्यू बिगनिंग आपकी करियर में यहाँ पर आने वाली है पाइल नंबर 3 अप्रैल के मंथ के अंदर। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको करके बहुत अच्छा लगता है और आपकी फ्रेंड्स या फैमिली पर्सन आपको करियर में सपोर्ट कर सकते हैं, कोई पर्सन होगा जो आपको आपकी करियर में सपोर्ट करेगा अप्रैल के मंथ में, एक इमोशनल सपोर्ट देगा यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है। फूल के कार्ड से मुझे दिख रहा है एक न्यू बिगनिंग आपके करियर में आने वाली है, किसी भी तरीके की न्यू बिगनिंग हो सकती है, नया काम, नया प्रोजेक्ट, नई चीज़,
एक फ्रेश स्टार्ट मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप किसी चीज को लेकर रिस्क भी ले रहे हो अप्रैल के मंथ में, और यहाँ पे रिजल्ट भी उसका अच्छा आ रहा है क्योंकि आप यहाँ से अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आपका होगा। 12th अप्रैल आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकता है, 12th अप्रैल या 27th या फिर 3rd-5th अप्रैल, ये टाइम आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस मंथ के अंदर जो मुझे यहाँ पर कार्ड दिखा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए वेरी ऑल दी बेस्ट, कुछ लोगों का इंटरव्यू है अप्रैल के मंथ में एंड मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दे रहा है। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए जो आपको लग रहा है दैट दिस इज द बेस्ट फॉर यू, बट बाद में यू विल रियलाइज कि शायद आपका वहां पर होगा नहीं एंड आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी। बट मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि वो डिसअपॉइंटमेंट आपको एक दूसरे डायरेक्शन में ले जा रही है जहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए काफ़ी एक या तो हायर एजुकेशन दिखाई दे रही है, आप और हायर एजुकेशन पे जा रहे हैं, या फिर बिल्कुल दूसरी फील्ड में जा रहे हैं जहाँ पर आपको एक्चुअल में काम करके बहुत मजा आने वाला है एंड आपको ये रियलाइज होगा कि ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा अच्छी है, ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट है। हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपको काफ़ी सपोर्ट करें या एडवाइस दे सकते हैं अप्रैल के मंथ में, तो उनकी एडवाइस आपके काम आ सकती है। चलिए देखते हैं कि लव लाइफ में क्या कार्ड्स आ रहे हैं स्पिरिट गाइड अप्रैल में लव लाइफ में इनके क्या आने वाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे बार बार आ रहा है कि कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जो काफी इमोशनल होंगे पर्सन, आपका इनके साथ अच्छा इमोशनल बॉन्ड बन सकता है, फ्रेंडशिप से ये कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है, काफी पॉसिबिलिटी है। लुकिंग एट योर फोटोज मिसिंग यू नॉस्टैल्जिया मेकिंग न्यू मेमोरीज, कोई पास्ट के पर्सन आके आपसे माफी भी मांग सकते हैं या आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहेंगे, बट अगेन इट विल बी टोटली अप टू यू कि आप वो चाहते हैं या नहीं। क्यूपिड एरो का यहाँ पर कार्ड है जो कि बात करता है हैव फेथ लव इज कमिंग सरप्राइज इनविटेशन और मीटिंग हेजिटेशन। तो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट कि हैव फेथ लव आपकी लाइफ में आएगा अगर आप लोग सिंगल हैं, अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो काफी स्पाइसी रह सकता है अप्रैल का मंथ आपके लिए, काफी रोमांटिक रह सकता है, आपके पर्सन आपको कुछ अच्छा यू नो डेट पे ले जा सकते हैं या आप उनके साथ डेट पे जा सकते हैं, कुछ एक मेमोरेबल वाली चीज मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ मेमोरीज आप क्रिएट कर रहे हैं साथ में। सिडक्शन अट्रैक्शन फ्लर्टिंग डेटिंग हुकिंग अप टेम्पटेशन थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, ये कार्ड मुझे एक तरीके से एक आपके लिए वार्निंग भी दे रहा है और एक एडवाइस भी दे रहा है। कुछ लोग मुझे लगता है यहाँ पे कैजुअल रिलेशनशिप में आ सकते हैं, बट अगर आप लोग कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं तो अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता है जहाँ पर आपको शुरू में बहुत फिजिकल अट्रैक्शन हो रही है एंड आप सिर्फ उस पर्सन की बातों पे फोकस कर रहे हो बट आपको एक्शन से रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, कुछ फिशी लग रहा है बट इग्नोर कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करेगा क्योंकि शायद कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा आ सकता है जिनके एक्शन उनके वर्ड से मैच नहीं करते हो। आज वो पर्सन आपसे बात कर रहे हैं, 2 दिन के लिए गायब है, तो उस तरीके की एनर्जी से आपको थोड़ा दूर रहना है। क्या आने वाला है यूनिवर्स इन लोगों के लिए, वाओ हार्ट विद अ की वेलकम लव मीटिंग द वन ओपन योर हार्ट गेटिंग टुगेदर परफेक्ट। अगेन लव के लिए आपका ये मंथ अच्छा रहने वाला है, चाहे आप जो भी है आपका जो भी कनेक्शन है जैसा भी है, काफी लोगों के लिए मोस्टली लोगों के लिए मुझे अच्छा दिख रहा है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं जो आपको छोड़ के चले गए हैं, आप बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया है, प्लीज कम आउट ऑफ दैट एनर्जी, उस एनर्जी उस कनेक्शन से बाहर आ जाइए बिकॉज वहां पर आपका कोई फ्यूचर नहीं है। आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग ब्लंट बट आपका उस कनेक्शन में कोई फ्यूचर नहीं है, आई एम सॉरी, बिकॉज वहां पर एक रनर की एनर्जी आ रही है कि कोई पर्सन कनेक्शन से भाग रहे हैं, वो आपको वो फुलफिलमेंट नहीं दे रहे जो आपको मिलनी चाहिए और यूनिवर्स भी जानती है और आप भी ये बात जानते हैं, वो आपको साइन भी दे रहे हैं, रेड फ्लैग्स भी दिखा रहे हैं, बट स्टिल आप एक होप लेके बैठे हैं, तो यूनिवर्स चाहती है कि आप उस कनेक्शन से बाहर आए क्योंकि बाहर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आप लोगों के लिए। लेट मी पुल वन मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स, क्या आने वाला है इनकी लव लाइफ में। फाइव ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोग अपनी लव लाइफ को लेकर अगर बहुत डिसअपॉइंट है तो यहाँ पर एक हीलिंग मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है पायल नंबर 3 कि अप्रैल के मंथ में आपके हार्ट की एक हीलिंग होने वाली है, एक हार्ट चक्र आपका दोबारा से बैलेंस होके ओपन अप होने वाला है। अगर आपकी हस्बैंड या वाइफ के साथ कुछ ऐसी कड़वाहट है, कुछ बातें हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके उन बातों को क्लियर कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उन चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि आपका सेपरेशन या डिवोर्स चल रहा है एंड किसी थर्ड पर्सन की वजह से वो चीज़ें चल रही हैं, कोई फैमिली हो सकती है, कोई रोमांटिक अफेयर हो सकता है, बट नाउ इट्स अ टाइम दैट आप अपने आप को उस चीज़ को लेके ब्लेम करना बंद करिए बिकॉज आप अगर अभी आगे नहीं बढ़ेंगे तो शायद फ्यूचर में जो आपके लिए ब्लेसिंग है या जो कनेक्शन है वो
और डिले हो जाए। तो यूनिवर्स चाहती है कि इस कनेक्शन की वजह से आप अपने आप को ब्लेम ना करें, क्योंकि बहुत सी लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती, आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन वहां पर आपको उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो वही चीज मुझे दिख रही है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं एंड काफी आगे आपकी लाइफ में मुझे एक रोशनी जो है वो दिखाई दे रही है। थ्री ऑफ व्हील्स, आप में से काफी लोग अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपनी स्किन पे वर्क कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पे वर्क कर रहे हैं, करियर में चीजों को और अच्छा बिल्डअप कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे अगेन यहाँ पे स्किन बार बार आ रहा है, तो कुछ हो सकता है रिलेटेड टू स्किन दैट यू गाइज आर डूइंग। कुछ लोग काफी शॉपिंग करने वाले हैं अप्रैल मंथ में, तो थोड़ा सा खर्चे पे ध्यान रखिएगा। काफी शॉपिंग में या किसी के साथ किसी के बर्थडे या पार्टी एंजॉय कर रहे हैं या ट्रिप पे ट्रैवल करने वाले हैं फ्रेंड्स के साथ, तो खर्चा ज्यादा हो सकता है, तो उस चीज को थोड़ा सा आप कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा, बाद में आपको रिग्रेट नहीं होगा। चलिए देखते हैं एंजल कार्ड्स के थ्रू क्या गाइडेंस एडवाइस है आप लोगों के लिए। पायल नंबर थ्री के लिए यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। क्या गाइडेंस एडवाइस है पायल नंबर थ्री के लिए स्पिरिट गाइड्स? Imagination, I embrace and nourish the creative aspect of my life. तो कहीं ना कहीं आपकी जो imagination है, जितना आप positive imagine करेंगे वो चीज आपकी life में उतनी ही positive चीजों को manifest करेंगे। Relationship, I am attracted to those people who serve my higher good. जो लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जो लोग मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, एक healthy boundaries है, मेरी respect करते हैं, who are loyal with me, उन लोगों के साथ में रिलेशनशिप में अट्रैक्टेड हूँ। अगर ऐसी चीजें यहाँ पर नहीं है तो आई हैव टू कम आउट ऑफ दैट कनेक्शन, मुझे उस कनेक्शन से बाहर आना है बिकॉज आई डिजर्व दिस हायर अमेजिंग कनेक्शन इन माई लाइफ। चलिए एंजल कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। पहले आपके लिए एक और एक्स्ट्रा कार्ड निकाल लेते हैं एंजल कार्ड्स। Brilliant idea. Yes, your idea is divinely guided. Please take action to bring your idea to fruition. ये specially आपकी career से related है कि आपका career related कोई idea है दिमाग में जो आप चाहते हैं। Universe आपको कहती है कि उस idea से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो definitely आपको कुछ ना कुछ अच्छा एक result यहाँ पर मिलेगा। Patience आपको रखनी पड़ेगी, लेकिन leadership, it is time for you to assume your leadership power and position and lovingly guide others. तो आप में से कुछ लोग जो है वो counselor, teachers हो सकते हैं या दूसरे लोगों को guide भी करते हैं। लीडरशिप का कार्ड जो है वो बात करता है कि आपके पास ये एबिलिटी है टू बी दिस लीडर इन योर लाइफ। सन का कार्ड है, बिगनिंग का कार्ड है कि आप अपनी लाइफ को खुद से लीड करिए और ये चीज जो है वो आप आगे करने भी वाले हैं। ऑरेंज कलर इस मंथ के लिए आपके लिए लकी हो सकता है पाइल नंबर थ्री। एंजल आंसर कार्ड के थ्रू देखते हैं क्या और मैसेज है आपके लिए, क्या मैसेज है स्पिरिट गाइड। रोमांस, वाओ, पाइल नंबर थ्री, रोमांस आने वाला है इस टाइम आपकी लाइफ के अंदर। हो सकता है आप लोग काफी टाइम से सिंगल हो, तो आई जस्ट फील लाइक ये मेबी आप लोग बाहर जा रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, डेट कर रहे हो, वो चीज भी काफी रोमांटिक रहने वाली है। अपॉर्चुनिटीज, काफी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएगी अप्रैल के मंथ में, तो ओपन रहेगा, ठीक से कम्युनिकेट करेगा, अच्छा रहेगा। यू आर रेडी फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज। ये जो न्यू बिगनिंग आ रही है, यूनिवर्स कह रही है कि आप इसके लिए रेडी हो। स्ट्रेस मत लो, ट्रस्ट करो कि जो कुछ भी हो रहा है आपके भले के लिए ही हो रहा है। सो पाइल नंबर थ्री, अगर आप लोग कोई पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। अगेन रीडिंग मैच करती है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। और पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी या मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। एंड अगेन वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।